परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पादरी साहब कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें बताया, परंतु आज का दिन मैं उसमें कुछ और बातों को जोड़ना चाहूंगा। उपवास में लगभग हम सब कोई है, तो आज का दिन इस 2018 का आखिरी दिन है। यह दिन हमें दोबारा लौट के नहीं मिलेगा, तो एक बात हमारा स्पष्ट होना चाहिए, क्या है? परमेश्वर प्लान बनाता है, परमेश्वर योजना बनाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां प्लान बनाती हैं। 2019 का प्लान बन गया कि नहीं बन गया होगा कंपनी का? हाँ जी, नहीं बन गया। सरकार भी योजना बनाता है, 19 में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना, मार्च में क्या करना, अप्रैल में क्या करना, सरकार भी योजना बनाता है। जितने एनजीओ है वो भी प्लान बनाते हैं, जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स है वो अपने अपने जो कार्यालय है उसका भी वो योजना बनाते हैं कि इस साल में हमें क्या करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, मिशन, बड़े बड़े डायसिस, चर्चेस भी योजना बनाते 2019 में हमें क्या करना है। तो मेरा कहना है, क्या परमेश्वर चुप बैठा होगा? क्या वो कोई योजना नहीं बनाता होगा? क्या लगता है हमें? ये योजना बना दिया होगा, बनाया होगा ना नहीं बनाया होगा, बताएं? बना दिया होगा। अच्छा, तो मुझे बताइए, मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा क्योंकि बोल बोल के हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। एक पापी के लिए परमेश्वर क्या योजना बनाया होगा? जो बंदा पाप किया है और पाप को नहीं छोड़ा है, बोलिए। हाँ, क्या योजना बनाया होगा? पढ़िए बाइबल से, हम देखें न्याय की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7-8। इस प्रकार इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। इसराइलियों ने यहोवा के नजर में पाप किया। जजेस, बुक ऑफ जजेस, 3rd chapter 7th onwards। So the children of Israel did evil in the sight of the Lord. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God. They forgot the Lord their God. And served the Baals and Ashes. They served the Baals and Ashes. बस मेरा कहना है, इज़राइल ने परमेश्वर के नजर में पाप किया और यहोवा को भूल गया। तो परमेश्वर इनका पाप का क्या प्लानिंग बनाया, कितना साल का स्कीम बनाया, देखो जरा। तब यहोवा का क्रोध इसराइलियों पर भड़का। तब यहोवा का क्रोध इसराइलियों पर भड़का। इसका मतलब है पाप करने वालों के लिए 2019 में क्या भड़केगा? मैंने, मुझे बहुत तकलीफ होता है कलीसिया को इस बात का चिंता नहीं है, जबकि हमारे कलीसिया सारी सच्चाई को जानते हैं। मैं 15-14 साल से ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो सारी बातों को हम सिखाए। साल का आखिरी
सात दिन हमें अच्छा लगता है उपवास में बैठना, पर कलीसिया को फिक्र नहीं है। पर कई बार हम खुद को तसल्ली देते हैं, चलो यीशु मसीह भी थक गया था, यहूदियों को बोल यस तीन दिन छुट्टी नहीं ले सकता कोई, ले सकता है। सारे काम काज बंद करना चाहिए। मिस्पी में कल वाले साहब ले रहे थे, मिस्पी में इजरायलियों ने एक व्यक्ति के समान खड़ा हुआ, एक व्यक्ति के समान, कितने लाख थे? चार लाख। और कितने कैसा खड़े थे? एक व्यक्ति। 200 लोग भी नहीं है, है चर्च में 150 से ज्यादा, पौने 200 करीब, पर 50-60 लोग आते हैं। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बातें बताया जाता है फिर भी लोगों के अंदर में घुसता नहीं है, घुसता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसराइलियों ने परमेश्वर के नजर में पाप किया तो परमेश्वर का क्रोध भड़का। इसराइलियों का दो पाप था, परमेश्वर के खिलाफ में मूर्ति पूजा किया, दूसरा परमेश्वर को भूल गया कि कोई प्रभु है, याद ही नहीं आता। कितने लोग होंगे प्रार्थना करना भूल गया होगा, बाइबल पढ़ना भूल गया होगा, फास्टिंग भूल गया होगा, परमेश्वर का वचन को भूल गया होगा, प्रभु को भूल गया होगा। बाकी आज या कल मुझे किसी ने एक संदेश भेजा, काश हम लोग मोबाइल जैसा बाइबल को यूज करते। दिन में कितने बार मोबाइल पकड़ते हैं? एक एवरेज हिसाब बताओ, आदम बताओ, दिन में हम कितने बार बाइबल मोबाइल पकड़ते हैं? परसों साहब बताइए, कम से कम 20-25-30। हमको कुछ भी करना रहता है तो तुरंत किसको पकड़ते? मोबाइल को। सोने के समय मोबाइल के साथ, उठते साथ मोबाइल के साथ, दिन भर मोबाइल के साथ। किसी ने मुझे मैसेज भेजा, बहुत सुंदर मैसेज भेजा, उसने कहा है काश हम हर बात के लिए बाइबल ढूंढते, हर काम के लिए बाइबल ढूंढते। हमारा हर काम हम मोबाइल से करते, हर काम हम परमेश्वर के वचन से करते। मैं बोलूंगा ये संभव है, 2019 में ट्राई करना, ट्राई करना, संभव है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये संभव है। परमेश्वर को हम भूल गए। आज यहां भी हम है ना, 50% लोगों को नहीं मालूम होगा हम क्यों हैं। हमें हम बताना चाहता हूं, हम इसलिए हैं कि आज का दिन हम 2018 को छोड़ देंगे, 2019 में जाएंगे, तो इस वर्ष का कोई भी तकलीफ, पाप, असफलता, परेशानी, श्राप, दंड प्रभु से, दुख, नाराजगी प्रभु से, दुनिया, इसको ही लेकर के नया साल में नहीं जाना है। इसको खत्म करना है, इसको क्लियर करना है, और हमें नया साल में नई आशीष के साथ कदम रखना है। तो हमारा नया वर्ष आशीष का वर्ष हो। तो पाप करने से परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्रोध भड़का, तो प्रभु ने क्या फैसला किया सुनो, और उसने उनको के राजा कुशल के अधीन कर दिया। सुनो, परमेश्वर का क्रोध भड़का तो परमेश्वर देखा इसराइल पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर क्या किया, इनको पाप का मजदूरी देना चाहिए, मौत तो नहीं दूंगा क्योंकि ये पाप किए जरूर है, परंतु इनको मैं एक दूसरा दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा? इनको किसी का गुलाम करवा देता, किसी के हाथ में इनको बेच डालता हूं। अब परमेश्वर उनको एक कुशन राजा, अफ्रीका, कुशन यानी अफ्रीका देश, वहां का एक राजा के हाथ में कर दिया। हाथ में कर दिया मतलब क्या है, इजरायली लोग लाखों लोग हैं, ठीक है, कुशन का राजा के पास लाखों लोग नहीं है। अब परमेश्वर एक वर्ष में डिसाइड किया, मैं आपको बोल रहा हूं न्यू ईयर के समय की बात बोल रहा हूं, परमेश्वर बोला अब इनको कितने साल के लिए उनके हाथ में कर दिया, परमेश्वर बोला 8 वर्ष के लिए बस तुम्हारा ये दशा होगा, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
سے بولا میں تم کو ان کے ہاتھ میں کر دیتا ہوں. تو وہ کشن کے راجہ ریسی ریسٹائن وہ راجہ آسانتی سے بیٹھا تھا. اس کو دماغ میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ مجھے اسرائیل کے خلاف جانا ہے. گوھر سے سنو میرے طرف نہ ہے. وہ راجہ کو کچھ من میں ایسا تھا ہی نہیں مجھے اسرائیل کو مارنا ہے, اسرائیل کے خلاف لڑنا ہے, اسرائیل کو پکڑنا ہے, اسرائیل کے پاس جانا ہے. سنو ایسا کچھ بھی من میں نہیں تھا. اچانک ایک دن اس کے خیال میں آیا میں کیوں چپ چاپ ہوں, میرا دیش تو اچھا ہے, پھر بھی مجھے اسرائیل کے پاس جانا چاہیے, لڑنا چاہیے. سنیے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے کسی کا ہمت جلدی نہیں ہوتا ہے. اس سمے میں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, کارن کیا بتائے کوئی تو بتائے. اسرائیل کے ساتھ پرمیشور رہ کر کے مصر دیش میں جو گھٹنا اپدرو تانڈو کام کیا ہے نا, وہ سارے دنیا میں چرچا ہو گیا تھا. لال سمندر دو بھاگ ہو گیا تھا, سارا دنیا کو چرچا تھا, اور یردن ندی دو بھاگ ہو گیا تھا, دنیا کو چرچا تھا. اوپر سے پتھر برستا ہے, بابا ان کا یہوہوا ایسا ہے, سورج رٹ جاتا ہے, سمندر دو بھاگ ہو جاتا ہے, ان کا نیتا ہاتھ اٹھا دیتا ہے, لوگ یوں مرتے ہیں, ان کے خلاف کون لڑنے جائے گا, ان کا یہوہوا جیسا کوئی بال ہے نہ کوئی آشرا ہے. تو کسی راجہ کو کبھی بھی ہمت نہیں ہوتا تھا کہ یوں لڑنے چلے جائے, مذاق مذاق سے لڑنے چلے جائے. کبھی اسرائیل کے خلاف کسی راجہ کو لڑنے کا ہمت نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اسرائیلیوں کے بیچ میں یہوہوا لڑائی کرتا تھا. اور فرعون کو دھول چٹا دیا, فرعون کا بیٹا کو مرڈر کروا دیا, لال سمندر میں فرعون کی سینا دنیا کے سب سے مضبوط فوجی ہے, اور ان کو اس نے ڈوبا ڈوبا کے مارا. اس لیے کسی کا ہمت نہیں ہوتا. یریحو کی دیوار اتنا چوڑا دیوار, 30 فٹ چوڑا دیوار, یوں نیچے گر گیا. تو لوگوں کو خبر تھا, اس لیے راہب جو ریشیا تھی نا, راہب کو معلوم تھا کہ ان کا پرمیشور اچھا ہے, ان کا پرمیشور سچا ہے. ارے ایک پاپی استری کو بھی خبر تھا, اس لیے وہ بولتا ہے جب تم کو یہوہوا یریحو دے دے گا تو مجھے ذرا سا یاد. یعنی دنیا والوں کو اس بات کا چرچا معلوم تھا, خبر تھا کہ ان کے ساتھ لڑنا پنگا لینا خطرے سے خالی نہیں ہے, ان سے کون لڑ سکتا ہے. پرنتو ایسے سمے میں ایک چھوٹا سا راجا, وہ راجا کا نام ہے ریسٹائن. وہ راجا کو اچھا اچھا ہوا, اچھا کس نے دیا, اچھا ہوا مطلب مجھے لڑنا چاہیے. منتری آ کے بولا ہوگا پاگل ہے, مار کھانا ہے, ڈوب ڈوب کے مرنا ہے پانی میں, نہیں ہم نہیں مرے گا, ہم کو اچھا ہو رہا, بس اچھا ہو رہا. منتری کا بات کو کھنڈن کیا, سناپتی بولا سر ہم تو لڑ نہیں جائیں, تو نہیں جائے گا دوسرا نام رکھیں گے. راجا پاگل ہو گیا ہے, ارے اسرائیل سے لڑنے کو کھڑا ہو گیا, اسرائیل کو جانتے ہو. وہ جانتا نہیں جانتا مجھے جانا ہے, بس جانا ہے. تم کو جانا ہے نہیں جانا ہے, جانا ہے تو بھی جاؤ, نہیں جانا ہے تو بھی جاؤ. سارے فوج سے بولے چلو میں لڑنا ہے. اب کشن ریسی رس اتائیں, سب کے بولیے رس اتائیں, رس اتائیں, رس اتائیں, رس اتائیں, کھڑا ہوا اور لڑنے کو آ گیا. اور جیسے لڑنے کو آیا اسرائیل لوگ بھی بولے ہم لوگ سے لڑنے آئے. بے وقوف فرعون کو مارے ہیں, یریحو کے راجا بشان کو اوک کو دھول چٹائے, ہم لوگ امالیکیوں کو مارے, ہم لوگ سے لڑنے آیا. جس نیا سال ختم ہوا تھا, پکنک گئے تھے, لڑنے کو کھڑے ہوئے, اور یہ کشن کے راجا ریسٹائن ہم سے لڑنے آیا ہے. دیکھتے ہیں ایسے گیا, ایک بھی اسرائیلی کا نشانہ ٹھیک سے لگ نہیں رہا, تلوار اٹھا رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. الٹا کشن کے راجا ریسٹائن ان کو کھدڑتے کھدڑتے مارتے 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 ہزاروں کو مار گرایا, اور ان پر قبضہ کیا, اور پورا اسرائیل کو اپنے ہاتھ مٹھی میں لے لیا. اور ان کو کتنا سال تک داس بنا لیا,
ये आठ साल तक कुशन के राजा रिस अताइम आकर के इन पर हमला किया, इनको टॉर्चर किया, इनको सताया, इनको दुख दिया, इनका धन संपत्ति लूट लिया और उनको दास बना लिया, उनसे काम करवाया, उनको खटवाया, उनको 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 सताया, उनका नींद हराम कर दी। तो मैं कहना चाहता हूं ये आठ साल का जो उपद्रव हुआ ये किसने करवाया? करवाया ना यहोवा ने करवाया, यहोवा ने करवाया। तो आप कैसे बोल सकते हो यहोवा भला है, गॉड इज गुड, आप कैसे बोल सकते हो मुझे बताइए? यहोवा तो अच्छा नहीं है तब? नो, गॉड इज गुड, यहोवा भला है, यह बिल्कुल सच है। परंतु किसके लिए भला है? जो पाप को छोड़ के आता है यहोवा उसके लिए भला है। यहोवा को एलर्जी है पाप से, यहोवा को एलर्जी है आपकी आपके मोबाइल से, उसको एलर्जी नहीं है। मोबाइल के द्वारा होने वाले पाप से उसको एलर्जी है, आपका टेलीविजन से उसको एलर्जी नहीं है। डॉक्टर पीजी वर्गीस एक बहुत बड़ा बात बोल दिए, हम तो सिनेमा देखते हैं बोल दिए, अनुवाद करने वाला भी थोड़ा चौंक गया, क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ हाँ मेरी कौन का सिनेमा देखें, आप लोग भी देखिए बोला। हम तो खबर से इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, बोला मेरी कौन का सिनेमा देखो, भारत का एक एथलीट, सही सही बोल रहा हूँ, वही खेल में ही तो आता है ना, बॉक्सर। तो मैं कहना चाहूंगा टेलीविजन पाप नहीं है, पर टेलीविजन का दुर्व्यवहार पाप है। वो वहां से कुछ प्रेरणा देते हैं, कैसा एक लड़की स्ट्रगल करके अपना नाम रोशन की, गरीब खानदान की, गरीब परिवार को उसका कोई सहारा नहीं था, ऐसा एक दंगल बोल के मूवी निकला है। मैं फ्रीडम फाइटर्स का मूवी खोजता, महात्मा गांधी का देखा मैंने, हिटलर का देखा, नेताजी का देखा, मैं कहना चाहता हूँ उससे हमें प्रेरणा मिलता है। आप रोग पढ़ोगे अगर नेताजी का जिंदगी देखोगे, वीडियोस देखोगे, क्या सैक्रिफाइस उन्होंने नहीं किया। महात्मा गांधी का जीवनी मैंने 5 घंटे का था, मेरा एक लंबा सफर था, मैंने नागपुर से गया सिवान गया तो 2 दिन का सफर था, 2 दिन में पूरे फ्रीडम फाइटर्स की मैंने मूवी देखा, मुझे वहां से प्रेरणा मिला। मैं कहना यह चाहता हूँ टेलीविजन गलत नहीं है, टेलीविजन का दुर्व्यवहार गलत है, मोबाइल गलत है। मोबाइल नहीं तो स्कूल का न्यूज कहां से मिलेगा? आपका बेटा बेटी वहां कौन सा इतिहास रच लिया, कैसे जानोगे आप? मोबाइल नहीं तो बैंक का काम कैसे करोगे, मोबाइल नहीं तो फोन कैसे करोगे? अब यहां हम बैठे बैठे हम सारा काम कर देते हैं, एक दिन हम अपने बिटिया की फीस जमा नहीं किए, मोबाइल में हम देखे रिमाइंडर था, रिमाइंडर हमें याद करवाया और फीस जमा करना है। मैं ट्रेन में था और कुछ से लौट रहा था, मैंने तुरंत ऐप में गया, फीस जमा हो गया। मैं कहना ही चाहता हूं आज उड़ीसा के गली गली गांव गांव में लोग वीडियोस से हमारे वचन को सुनते हैं, सही बोल रहा हूं? मेरे पास उतना याद नहीं है पर उनके पास उतना मेरा मैसेज उनको याद है। कैसे है? मोबाइल के जरिए से, मोबाइल के जरिए से बिजी वर्ग इस हर दिन संदेश भेजते हैं बाइबल का, मोबाइल के द्वारा ईमेल्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। तो मोबाइल गलत नहीं है, इसका दुरुपयोग लगा रखा है, टिकटॉक 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 लगा रखा है, फेसबुक फेसबुक लगा रखा है, खाली चैटिंग चैटिंग लगा रखा है, फालतू का। मैं बोलना चाहता हूं कि आप कि किस चीज का, देखो कपड़ा गलत नहीं है, कपड़ा का दुर्व्यवहार गलत है, खाना गलत नहीं है, खाने में गलत खाना खाना गलत है, शहर गलत नहीं है, शहर में ढंग से नहीं रहना गलत है, दुनिया में पाप कहीं नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे हर चीज को हैंडल करते हैं। अगर आप कमजोर हैं, उसका हैंडल नहीं कर सकते तो भला है उसको छोड़ दो। हालेलुया। इस टाइम राजा को परमेश्वर ने उबारा, किसने उबारा? वो क्यों खड़ा हुआ इसराइल को सताने के लिए? तो उसको किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि इसराइल ने पाप किए। तो आप अगर बाप के साथ रहोगे तो मुझे बताइए, रिस अताइम राजा का औकात नहीं था, उसका ताकत नहीं था, उसमें बस बल नहीं था, परंतु वो 8 साल तक इजरायलियों को सताया सताया सताया, टॉर्चर किया। तो ये टॉर्चर जो 8 वर्ष, कितना वर्ष? 8 वर्ष, ये 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक का जो ये प्रेस का, निराशा का, दुख का,
पीड़ा का, वेदना का, सताव का, तंगी मुसीबतों का, रोना का, ये जो सफर शुरू हुआ ये किसके कारण हुआ? तो मुझे बताइए, हम यहां बैठने नहीं आए, हम अपने जीवन में अगर पापों से हम बाहर नहीं आए तो हमारा आने वाला वर्ष भी अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। वो सताने लगा है, ये लोग रो रहे हैं, प्रभु हम क्या किए क्या किए, तो भूल गए, ये तो प्रॉब्लम है। बड़े सूक्ष्म रीति से, बहुत सूक्ष्म रीति से हमें अपने जिंदगी को जांचने का जरूरत है और खुद को सुधारने का जरूरत है। तो इसराइलियों ने क्या किया, पढ़ो नीचे उसका समाधान है। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इसराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई, उड़िया में बहुत अच्छा लिखा है, तब इसराइलियों ने यहोवा के सामने रोया लिखा, अंग्रेजों में क्या लिखा है उसका, नाइंथ वर्स, cried out to the Lord, the children of Israel, वे लोग परमेश्वर के सामने रोया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सके 2018 का आज तक आपका जिंदगी अच्छा नहीं है, तो आप इसराइल को, आपको कोई कुशन अगर सताता है, आपका बीते वर्षों का सफर अगर अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर इज़राइल के समान आप भी प्रभु के पास रोना। क्या आप बोल सकते हैं 2018 आपका अच्छा था? मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। क्या हम कह सकते 2018 में एकदम अच्छे से रहे? नहीं रहे, कुशन रिस्क अताइम हमको चलाना है, उससे बाहर निकलना है। तो कैसे निकलोगे? इसराइलियों ने रोया, परमेश्वर के सामने रोया, तो परमेश्वर ने उनका रोना को देखा। इसराइलियों ने कैसा रोया होगा, प्रभु जी हमने गलती किया है, हम बार दिन तक हम पूछा गया, तुझे प्रभु भूल गया, ज्यादा मोबाइल को ही याद रखा और तुझे भूल गया, ज्यादा हम के बातों को याद रखा और तुझे भूल गया, ज्यादा हम वो चीज को याद रखा पर हम तुझे भूल गए, हम प्रार्थना को भूल गए, हम पवित्रता को भूल गए, हम सच बोलना भूल गए, हम प्रार्थना प्रवास करना भूल गए, हम बाइबल पढ़ना भूल गए, हम फलाने फलाने चीज भूल गए। यहोवा को भूल जाने का मतलब क्या है? यहोवा से जुड़ी हुई कामों को भूल जाना, हम तुझे भूल गए। तो इन्होंने पश्चाताप किया, इन्होंने आंसू बहाया, इन्होंने रोया, तो रोने से परमेश्वर क्या किया है, देखो यहाँ पर गॉड इज गुड है, यानी कोई आंसू बहाकर रोते हुए मन फिरा के आता है तो यहोवा अपना क्रोध खत्म करता है, उसकी भले गुणों को प्रकट करता है। पढ़ो नीचे, और उस इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइलियों ने सिर्फ रोया, इज़राइलियों ने क्या रिस अताइम से लड़ने गया? हाँ, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कोई आपको इस वर्ष में सताया है, कोई दुख दिया है, कोई टॉर्चर दिया है, उससे लड़ना बंद करो, क्योंकि उसको किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। कोई आपको परेशान किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना बंद करो, क्योंकि उसको परमेश्वर भेजा है। कोई आपका काम में गड़बड़ी लाया है, कोई आपका परिवार में परेशान लाया है, कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में मुसीबत लाया है, आप उससे लड़ना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, क्योंकि वो खुद नहीं आया है आपको सताने, आपको सताने परमेश्वर ने न्याय किया था। परमेश्वर ने 8 साल का योजना बनाया था, 8 साल का योजना बनाया था कि पाप किया है, अब तो इनको सजा देना ही है। इसलिए आपका जीवन में कोई दुख देने वाला है तो उस पर निंदा, आरोप, झगड़ा, चुगली, क्रोध, चर्चा खत्म करो, क्योंकि वो कुछ नहीं है। परमेश्वर आपका दुश्मन बनके, पाप के खातिर परमेश्वर दुश्मन बनके किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा हमको सताया। इज़राइलियों ने ना उस कुशन रिस्ताइम से कुछ कहा, इसराइलियों ने यहोवा के सामने रोया। तो मुझे इसमें एक सुंदर सीखने वाला बात मिला।
कि इसराइलियों को ये आभास हो गया कि आज हमारे साथ जो दुर्दशा है ये 8 साल का, ये ना तो रिस्पताइन ने किया है ना तो कोई और किया है, परंतु ये तो हमारा पाप ने किया है। यानी हर गड़बड़ी के पीछे, हर परेशानी के पीछे एक पाप का ही परिणाम होता है। बाइबल में देखोगे किसी व्यक्ति ने पाप किया, यीशु ने कहा दोबारा पाप मत करना, नहीं तो बहुत बुरा दशा होगा, बीमारी पाप के चलते, बारिश नहीं होना पाप के चलते, अधीनता में किसी राजा का गुलाम बनना पाप के चलते, इब्राहिम का संतान 400 वर्ष गुलाम हो गए, नौकर हो गए पाप के चलते। यानी सारा गड़बड़ी पाप से आता है। तो आज आप जांचने का जरूरत है, ये वर्ष में मेरे जीवन में क्या क्या भूल हुआ। छोटा छोटा पाप को भी पालना नहीं है, सीक्रेट सिन को नहीं पालना है। तो इसराइलियों ने रोया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर क्या किया, इनके लिए एक बंदा को बहुत सुंदर सब लिखा है वहां पर। फिर तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इसराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नियल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। ओडिया में बहुत अच्छा लिखा है, इसराइल ने रोया तो परमेश्वर ने क्या किया, कालेब का छोटे भाई कंजी के पुत्र ओत्नियल को परमेश्वर ने ठहराया। ठहराया लिखा है ना, ओडिया में ठहराया नहीं लिखा, ओडिया में लिखा कि उत्पन्न किया, राइट, क्या किया है, उत्पन्न किया। परमेश्वर ने, इसराइल लोग रो रहे थे, पाप से मन फिरा रहे थे, बोले हम दोबारा बाल अशेरा की सेवा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए, हमें ये तकलीफ से छुड़ाइए। तो इन्होंने अपना उद्धारकर्ता को ढूंढने नहीं गया। मैं आपसे बोलूंगा, आपको नौकरी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, आपको व्यापार ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, आपको पैसा ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, आपको आशीष ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, आपको परमेश्वर को ही ढूंढना है, आशीष आपको ढूंढते हुए जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, आशीष आपके दरवाजा में दस्तक देगा, खटखटाएगा, ये होगा। अरे ये मैंने देखा है, मुझे मजबूरन कई मीटिंग्स को मना करना पड़ता है, क्योंकि मैं हर साल कोशिश करता हूँ पवित्रता में एक लेवल में ऊंचे आऊं, हर साल मैं कोशिश करता हूँ और परमेश्वर मुझे सहायता किया है, करता है। मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, हम हर कोई सिद्ध नहीं हुए हैं, परंतु हम सिद्धता की राह में बढ़ना चाहते हैं। हम हर साल अनुभव करते, जब फास्टिंग होता है, कुछ कुछ स्वभाव हमारा धीरे धीरे बदलता जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष आपके दरवाजे में, आपकी दहलीज में आएगा, आपको ढूंढते हुए आएगा। और इसराइलियों ने आशीष के पीछे नहीं गया, इसराइल ने अपने पाप के पीछे गया, पाप को खत्म किया, पापों से मन फिराया, परमेश्वर के सामने रोया, रिलेशनशिप को अच्छा बनाया, परमेश्वर के साथ संबंध को अच्छा बनाया। प्रभु तेरी दृष्टि में मेरे अंदर में तृणता भर का भी, सूक्ष्म धूल भर का भी पाप ना हो। इन्होंने मन फिराया, आज का दिन मन फिराने का दिन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे लिए कोई उद्धारकर्ता को उत्पन्न करे। मैं देख रहा हूं विश्वास की आंखों से हमें छुड़ाने के लिए किसी ना किसी को प्रभु खड़ा कराएगा, हमारी मदद के लिए प्रभु किसी ना किसी को खड़ा कराएगा। मैं बहुत गवाही दे सकता हूं, मेरा मदद के लिए परमेश्वर बहुत लोगों को खड़ा किया, पर मैंने कभी उनको जाके नहीं बोला, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला, बहुत लोग खड़े हुए, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा हो। तो हमें उद्धार करने वाला कालेब का भतीजा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा तलाश कर, कोई तो मिल जाए, नहीं, यहोवा की भलाई और दया तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, नौ भी तुम्हारे दरवाजे में आएगी, बरकत तुम्हारे घर में आएगी। हमारे ओवरसियर तानुचंद साहब एक दिन बता रहे थे, कोलकाता में फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, फास्टिंग प्रेयर में एक हमारे जो चर्चनपुर का हायर पास्टर एक अमेरिका से आए थे, तो वो पास्टर प्रोफेट है, प्रोफेसी गिफ्टेड है, तानुचंद साहब को भी नहीं मालूम था। वॉशिंग चलते चलते वो पास्टर चले गए एक सिस्टर के पास और बोले, तुमने नौकरी का एक जगह में इंटरव्यू दिया है, देखिए, और तुमको वहां से नौकरी का
अपॉइंटमेंट नहीं आएगा, तुम बड़ी आशा में हो, तुमको नहीं आएगा, तुमको नौकरी बहुत पसंद है, परंतु कुछ दिन के बाद तुमको और एक जगह से कॉल आएगा, वो पर वो नहीं परमेश्वर तुमको वो नौकरी देने वाला। अमेरिका का एक पास्टर कोलकाता में मीटिंग में थे, गवाही बताए ठीक कुछ दिन के बाद कॉल आया ऑफिस से और नौकरी पाया। आपको ढूंढ के जाना नहीं पड़ेगा, हालेलुया, आपको आपको तलाश करना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर परमेश्वर हमारे लिए आगे आगे रास्ता तैयार करता है। वो अपने दूत को भेजता है, वो अपने लोगों को भेजता है, वो अपने फरिश्तों को भेजता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कंसी के उस तरह अथनीएल को परमेश्वर खड़ा किया जो कालेब का भतीजा था। तो मैं कालेब का भतीजा के बारे में थोड़ा सोचता हूँ। ये कालेब का भतीजा कोई पहलवान था करके लिखा है सिमसन की तरह, लिखा है अवनर की तरह, या योआब की तरह, या लिखा है दाऊद की तरह सूरवीर, या गिदोन की तरह पहलवान था, ऐसा कुछ लिखा है?